आपके साथ नेहा ठाकुर। राजस्थान गौरव यात्रा के दूसरे दिन सीएम वसुंधरा राजे का रथ नाथद्वार से खमनौर पहुंचा। इस दौरान सीएम राजे का खमनौर बस स्टैंड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम राजे के साथ गृह मंत्री गुलाब चंद्र कटारिया और प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। खमनौर की सभा को संबोधित करते हुए सीएम राजे ने नेडज और सायो का खेड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चिकित्सालय भवन निर्माण के लिए 2-2 करोड़ रुपए की घोषणा की। वहीं बाघेरी पेयजल योजना के लिए 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। इसके बाद उनका रथ हल्दी घाटी की ओर रवाना हो गया। वहीं उदयपुर जिले में रविवार को सीएम की 3 जगह सभाएं रखी गई। दोपहर में हेलीकॉप्टर से झाड़ोल पहुंचकर उनके सभा का कार्यक्रम हुआ। इसके बाद हेलीकॉप्टर से ही वो ऋषभदेव पहुंची। वहां से यात्रा रथ में सवार होकर खेरवाड़ा पहुंचकर सभा करी। वहीं से यात्रा ने डंगरपुर जिले में प्रवेश किया। इससे पहले शनिवार को 4 भुजानाथ से रवाना हुई रथ यात्रा नाथद्वार पहुंची। नाथद्वार सीमा से न्यू कॉटेज तक जगह जगह उनका स्वागत किया गया। उन्होंने श्रीनाथ जी प्रभु की आरती झांकी के दर्शन किए। साथ ही उन्होंने एकलिंग नाथ जी के भी दर्शन किए। वहीं रात में विश्राम धीरज धाम में अंबानी के स्वीट में किया। रविवार सुबह मुख्यमंत्री ने धीरज धाम में पूजा अर्चना की। वहीं राजस्थान गौरव यात्रा के सह सहयोग अशोक परनामी ने यात्रा के दूसरे दिन नाथद्वार में कांग्रेस पर निशाना साधा। परनामी ने कहा कि कांग्रेस अपना नेता तय नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि सीएम राजे के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। परनामी ने कहा कि अमित शाह ने शनिवार की सभा में साफ कर दिया कि अगला चुनाव वसुंधरा राजे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, साथ ही सरकार भी हमारी ही बनेगी। राजस्थान हेडगियर धारी सिंह की रिपोर्ट।